नमस्कार, प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। केंद्र ने राज्यों से कहा, प्रवासी मजदूरों और फंसे हुए लोगों की सुरक्षा, आवास और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश के 325 जिलों में कोविड-19 का कोई भी रोगी नहीं। सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया, पूर्णबंदी के दौरान फीस के भुगतान का दबाव न बनाएं, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन जारी करें। भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के तहत संचालित छोटी सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों के 4 महीने का किराया माफ। सभी विमानन कंपनियां 15 अप्रैल से 3 मई के बीच बुक किए गए टिकटों का पूरा पैसा रिफंड करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले लोगों को राशन और 1,000 रूपये देने की घोषणा की। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसी नए रोगी के सामने नहीं आने से ये क्षेत्र कोरोना वायरस मुक्त। कोविड-19 पर इस विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों और लॉकडाउन के कारण फंसे व्यक्तियों की सुरक्षा, आवास और भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। ये नोडल अधिकारी अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इंतजाम में समन्वय करेंगे। श्री गौबा ने निर्देश दिया कि ऐसे लोगों के प्रत्येक शिविर में वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी बनाया जाना चाहिए। श्री गौबा ने राज्य के मुख्य सचिवों से सभी जिलाधिकारियों को स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों से संबंधित मुद्दों के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। श्री गौबा ने निर्देश दिया कि प्रत्येक राहत शिविर एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में होना चाहिए। इसके अलावा महानगरीय क्षेत्रों में कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए निगमायुक्तों की नियुक्ति का भी सुझाव दिया गया है। सभी जिलों में प्रवासी कामगारों और फंसे व्यक्तियों की गणना और उनके लिए भोजन और आश्रय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें मानसिक और सामाजिक परामर्श भी देने का सुझाव दिया गया है। दिवाकर के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पूर्णबंदी के दूसरे चरण के संशोधित दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। ऐसे इलाके जो संक्रमण प्रभावी नहीं है उन इलाकों में 20 अप्रैल से सशर्त छूट दी जाएगी। पूर्णबंदी का कड़ाई से पालन कराने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यस्थल पर दिशा निर्देशों की जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता। सभी कार्यस्थलों पर आगंतुकों और कर्मियों के तापमान के जांच की व्यवस्था अनिवार्य है। कार्यालय में सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। प्रत्येक कार्यस्थल संपूर्ण सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए हर शिफ्ट के दरमियान 1 घंटे का अंतराल सुनिश्चित करेंगे। सेवा कर्मियों को एक साथ भोजन अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ उनके बैठने की व्यवस्था निश्चित करते समय सीटों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी का ध्यान रखना आवश्यक होगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले या फिर मधुमेह, रक्तचाप, किडनी संबंधित समस्याओं से पूर्व ग्रसित कर्मियों को घर से ही काम करने की छूट दी जानी चाहिए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता पिता को भी घर से काम करने के लिए कहा जाना चाहिए। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कार्यालयों में आयोजित बैठकों में कम से कम लोगों की संलिप्तता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुरक्षित रहें और नवीनतम जानकारी के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी अधिकारियों और कार्यालयों में किसी भी उद्देश्य के लिए जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय से जारी परामर्श में इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के प्रति चेतावनी दी गई है। प्राइवेट यूजर को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के संबंध में भारत की कंप्यूटर सुरक्षा एजेंसी सर्ट इन की एडवाइजरी का पालन किया जाए। ये मुख्य रूप से कॉन्फ्रेंस में अन्य व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश और टर्मिनल पर उसकी अनुचित गतिविधि को रोकती है। प्राइवेट यूजर को सलाह दी गई है कि पासवर्ड के जरिए अनधिकृत यूजर को रोकने के लिए वेबसाइट पर सर्ट इन की एडवाइजरी देखें। नोवल कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान अनेक देशों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जूम प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। कई प्रमुख कंपनियों ने सुरक्षा के प्रति बढ़ती चिंता के बीच इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भारत ने 55 देशों को मलेरिया रोधी दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भेजने का फैसला किया है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इनमें से 21 देशों को वाणिज्यिक आधार पर दवाई भेजी जाएगी, जबकि अन्य देशों को बहुत कम मात्रा में अनुदान के रूप में दी जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि विश्व के 53 देशों में कुल 3,336 भारतीय कोविड-19 से संक्रमित हैं। संक्रमण के कारण विदेशों में 25 भारतीयों की मृत्यु हुई है। भारत जल्दी ही दक्षिण कोरिया से कोविड-19 जांच किट प्राप्त करेगा। व्यक्तिगत सुरक्षा आवरण पीपीई के लिए भी प्रमुख एजेंसियों से समन्वय किया जा रहा है। देश में जल्दी ही बड़ी संख्या में पीपीई किट उपलब्ध होंगे। सरकार के जमीनी स्तर पर ठोस उपायों के कारण देश के 325 जिलों में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का रोगी नहीं है। पिछले 14 दिन में 27 जिलों में किसी भी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। पिछले 24 घंटों में 1,320 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 1,515 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 420 की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पहले कोविड-19 के संक्रमण वाले कुछ जिलों में कंटेनमेंट रणनीति लागू करने के सकारात्मक परिणाम आए हैं। उनमें से एक पुदुचेरी का माही जिला है, जहां पिछले 28 दिन से कोई नया मामला सामने नहीं आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में जिला स्तर पर कोविड-19 को फैलने से रोकने और क्लस्टरों के लिए लघु योजना बनाने पर चर्चा की गई। भारत में कोविड-19 के कंटेनमेंट मेजर्स को लेकर हेल्थ फंक्शनरीज और साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें माइक्रो प्लान्स पर क्लस्टर और आउटब्रेक कंटेनमेंट के डेवलपमेंट के लिए जिला स्तर पर WHO अधिकारियों के साथ टेक्निकल कोऑर्डिनेशन किया जाए, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय WHO की नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क टीम की सर्विसेज को यूटिलाइज करते हुए हमारी ऑनगोइंग सर्विलेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर भी एक एक्शन प्लान बनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की आदत अपनाने के लिए परामर्श जारी किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को राहत शिविरों और समाज के वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ जलापूर्ति बढ़ाने का परामर्श दिया गया है। गृह मंत्रालय की प्रतिनिधि ने बताया कि राज्यों ने लॉकडाउन के उपायों को लागू करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। आवश्यक वस्तुओं संबंधी स्थिति संतोषजनक है। गृह मंत्रालय की अधिकारी ने बताया कि विमान सेवा और कैब सेवाओं सहित सड़क परिवहन भी 3 मई तक बंद रहेगा। लॉकडाउन के अंतर्गत 3 मई 2020 तक टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा सहित कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सभी शैक्षिक एवं संबंधित संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा इसी प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि ने बताया कि अब तक 2,90,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि देश में परिषद की 176 और निजी क्षेत्र की 78 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट संक्रमण का जल्दी पता लगाने के लिए नहीं है, बल्कि ये निगरानी के लिए किया जाता है। परिषद के अधिकारी ने कहा कि देश में फिलहाल 5,00,000 रैपिड टेस्ट किट उपलब्ध हैं। दो किस्म के रैपिड टेस्ट के आज आ चुके हैं, एक लिवजॉन करके कंपनी का है, एक वॉनफ्लो करके कंपनी का है। ये जो टेस्ट किट्स हैं, इनकी संख्या लिवजॉन की 2,00,000 और वॉनफ्लो की 3,00,000 है। इस अवसर पर एक सरकारी अधिकारी ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों के विभिन्न उपायों का उल्लेख करते हुए कहा कि रेलवे ने कल तक भोजन के 16,00,000 पैकेट निःशुल्क वितरित किए। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आशा की किरण भी दिखाई दे रही है और उपचार के बाद ठीक होने वाले रोगियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 12,380 पहुंच गई है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस बीच अब तक 1,515 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
25 मार्च को जब भारत में लॉकडाउन लागू किया गया था उस समय तक कुल 606 मामलों में से 43 मरीज कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके थे, जो कि कुल मामलों का 7% था। शुरुआती लॉकडाउन के पिछले 21 दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर अब 11.26% हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 91% मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जो कि देश भर में सर्वाधिक है। यहां अब तक 11 में से 10 मरीज ठीक हो चुके हैं। गोवा में भी मरीजों के ठीक होने की दर 71% है। लद्दाख ने भी ठीक होने वाले मरीजों के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है और यहां 59% रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं। इसके बाद केरल का नंबर आता है, जहां ठीक होने वालों की दर 54% है। केरल में कुल 387 मामलों में से 211 रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि पूर्णबंदी समाप्त होने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक फीस के भुगतान का दबाव न बनाया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि कुछ संस्थान विद्यार्थियों पर लॉकडाउन के दौरान प्रवेश शुल्क सहित फीस का भुगतान करने के लिए दबाव बना रहे हैं। मंत्रालय ने सभी कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि अपनी वेबसाइट पर यह सूचना प्रदर्शित करें और ईमेल के जरिए विद्यार्थियों को भी ये जानकारी दें। शिक्षकों के वेतन के भुगतान के मुद्दे पर मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पूर्णबंदी के दौरान शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते जारी किए जाएं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद शैक्षिक कैलेंडर जारी करेंगे। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि सेना कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व संकट के बीच सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूर्व सैन्य कर्मियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सेना ने कमान के अनुसार हेल्पलाइन नंबर बनाए हैं। पूर्व सैन्य कर्मी किसी भी सहायता के लिए स्थानीय सैन्य प्राधिकरण से संपर्क या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए देशभर में 62 छावनी बोर्डों में किए जा रहे उपायों की आज समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छावनी बोर्डों को विशेष रूप से घनी आबादी वाले इलाकों में साफ सफाई के उच्चतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और ऐसे इलाकों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए वहां दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि कमजोर वर्गों, प्रवासी तथा दिहाड़ी मजदूरों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी की लघु इकाइयों का 4 महीने का किराया माफ करने का बड़ा फैसला किया। ये राहत उन्हीं कंपनियों को मिलेगी जो देश के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में चलाई जा रही हैं। इनमें से ज्यादातर इकाई या तो तकनीकी क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम हैं अथवा स्टार्टअप हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसी इकाइयों के 1 मार्च से 30 जून तक के किराए माफ कर दिए गए हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्वायत्त संस्था है। देशभर में इसके 60 केंद्र हैं। सरकार के इस फैसले से कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट से जूझ रहे उस उद्योग को राहत मिलेगी। इससे इन केंद्रों से संचालित लगभग 200 इकाइयों को लाभ होगा। इससे इन इकाइयों का लगभग 5 करोड़ रुपए का किराया माफ हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने मात्र 15 दिनों में 31,000 दावों को निपटाते हुए अंशधारकों को 946 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। श्रम मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज पीएमजीकेवाई के तहत भविष्य निधि खातों से पैसे निकालने के लिए जो विशेष सुविधा दी गई उससे नौकरी पेशा लोगों को समय पर बड़ी राहत मिली है। मंत्रालय ने कहा है कि पीएमजीकेवाई के तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट से अतिरिक्त 284 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। सोशल मीडिया पर फर्जी खबर चलाई जा रही है कि सरकार प्रत्येक शहर में हेलीकॉप्टरों से पैसा गिराएगी। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह खबर झूठी है और केंद्र सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें।
अगर किसी को खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-7804 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने राज्यों से कहा प्रवासी मजदूरों और फंसे हुए लोगों की सुरक्षा, आवास और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश के 325 जिलों में कोविड 19 का कोई भी रोगी नहीं। सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया पूर्णबंदी के दौरान फीस के भुगतान का दबाव न बनाएं, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन जारी करें। भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के तहत संचालित छोटी सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों के 4 महीने का किराया माफ। सभी विमानन कंपनियां लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों का पूरा पैसा रिफंड करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले लोगों को राशन और 1,000 रूपये देने की घोषणा की और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसी नए रोगी के सामने नहीं आने से ये क्षेत्र कोरोना वायरस मुक्त। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए बुक किए गए टिकटों को रद्द कराने पर यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। मंत्रालय की ओर से विमानन कंपनियों को इस बारे में जरूरी आदेश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान यात्रा के टिकटों को रद्द कराए जाने पर यात्रियों को पूरा रिफंड देना होगा। ये भुगतान टिकट रद्द कराने के लिए किए गए आवेदन की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर करना होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड 19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी ने देश में कोविड 19 के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का अत्यंत आवश्यकता है ये वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने के लिए। हमें ये आवश्यक है कि 2 मीटर का फासला रखें एक दूसरे के बीच में, खास करके जब हम घर के बाहर जाते हैं मार्केट में या ऑफिस में काम करना फिर शुरू कर देते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉ नंद कुमार ने लोगों को घरों में रहने और परिवार के साथ समय बिताने तथा योगाभ्यास करने की सलाह दी। We are going to overcome this crisis within a few weeks. In the coming few weeks, stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation and take care of emotional needs of the family and yourself. गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के अस्पताल में कोविड 19 संक्रमित मरीजों को धर्म के आधार पर कथित रूप से अलग अलग रखने के बारे में मीडिया में आई खबरों को आधारहीन और गुमराह करने वाला बताया है। राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉ जयंती रवि की ओर से आज जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि महामारी से गुजरात सरकार कोविड 19 से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस काम में उसे समाज के सभी वर्गों से पूरा सहयोग मिल रहा है। श्री रवि ने स्पष्ट किया कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है और जाति तथा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। गुजरात में हॉटस्पॉट के बाहर सभी क्षेत्रों में 20 अप्रैल से आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू करने का फैसला किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने कहा कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार ये निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन बंद रहेंगे और वहां लोगों का आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने राज्य में खेती बाड़ी से जुड़ी गतिविधियों को फिर शुरू करने की अनुमति दे दी है। 20 अप्रैल से धीरे धीरे राज्य में सभी निर्माण, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक समिति जिले में उद्योगों को अनुमति जारी करेगी। श्री कुमार ने कहा कि उद्योगों को थर्मल गन से कर्मचारियों के तापमान की जांच, उनके लिए परिवहन की सुविधा, कारखाने के परिसर की आवधिक सफाई, सामाजिक दूरी का पालन और मास्क पहनने जैसे एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने होंगे। सरकार ने शहरी क्षेत्रों के बाहर सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य को भी अनुमति दी है। श्री कुमार
कुमार ने कहा कि शहरी क्षेत्र में निर्माण गतिविधि की अनुमति मजदूरों को अच्छी गुणवत्ता वाले आश्रय की सुविधा प्रदान करने की शर्त पर दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर जैसे सभी स्वरोजगारी करने वाले लोगों को भी 20 अप्रैल से अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। अपर्णा खुट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के बाद अब सूरत शहर के 5 घनी आबादी वाले इलाकों में आज मध्य रात्रि से कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए यह निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने बताया कि शहर के सलबतपुरा, महिथारपुरा, लालगेट, अठवा लाइन और लिम्बायत पुलिस थाना क्षेत्र के अधीन आने वाले इलाकों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये कर्फ्यू 22 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जरूरतमंद और असहाय लोगों को राशन तथा 1-1 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे ये लोग किसी योजना के तहत आते हैं या नहीं। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में लॉकडाउन पर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी जरूरतमंद लोगों को खाना उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। श्री योगी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पुलिस, डॉक्टरों, स्वास्थ्य तथा सफाई कर्मियों पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने को कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो कोरोना पॉजिटिव हैं और इसे जानबूझकर छुपा रहे हैं। इस बीच राज्य में कोविड 19 के मामलों की संख्या बढ़कर 773 हो गई है। प्रधान स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक कोविड 19 के 69 मरीज ठीक हो गए हैं और 13 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि आगरा से कोविड 19 की पूल नमूना जांच शुरू हो गई है। दिल्ली में 3-4 दिनों के अंदर कोविड 19 रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण शुरू हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षण सफल रहा तो कोविड 19 के गंभीर रोगियों का जीवन बचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में लगभग 15 लाख लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है। दिल्ली सरकार रोजाना 10 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए क्लस्टर कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर 57 कर दी है। तमिलनाडु में कोविड 19 महामारी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या नए संक्रमित लोगों से अधिक हो गई है। राज्य में आज 25 लोगों में कोविड 19 के संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 62 को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। पुदुचेरी में कोविड 19 के 6 पॉजिटिव मामलों में से एक 37 वर्ष के व्यक्ति को आज कोविड विशेष अस्पताल इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई। माहे जिले में पिछले 28 दिनों से किसी भी कोविड 19 पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 10 लाख की स्थानीय आबादी में से लगभग 2,500 लोगों के नमूनों की समेकित जांच की जा रही है। पोर्ट ब्लेयर में ICMR प्रयोगशाला के निदेशक डॉ पी विजयचारी के सुझाव पर पूल टेस्टिंग का नया तरीका अपनाया गया है। द्वीप समूह में कोरोना से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 90.91% है, जो कि देश में सर्वाधिक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अंडमान निकोबार में कोरोना के कुल 11 मामलों की पुष्टि हुई थी। आज सभी 11 मामलों ने रिकवर कर लिया है। मुख्य सचिव चेतन वे संघी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। पोर्ट ब्लेयर स्थित ICMR की क्षेत्रीय परीक्षण लैब के निदेशक डॉक्टर पी विजयचारी के नेतृत्व में सैंपलों की पूल टेस्टिंग का कार्य सर्वप्रथम शुरू किया गया, जिसके चलते द्वीपों में नमूनों के परीक्षण की दर बढ़कर 5 गुना हो गई। अब प्रतिदिन 100 सैंपलों का परीक्षण किया जा रहा है। अभी तक 1,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया है, जो पूरे देश में सबसे अधिक रहा है। इसे देखते हुए ICMR दिल्ली ने 13 अप्रैल को और राज्यों को भी पूल टेस्टिंग को अपनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रति 10 लाख की आबादी पर यहां सर्वाधिक करीब 2,500 सैंपलों का परीक्षण किया जा रहा है। गौरतलब है कि अंडमान निकोबार में 7 अप्रैल के बाद कोरोना का एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किसी नए रोगी के सामने नहीं आने से ये क्षेत्र कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया है। असम के मोरीगांव जिले में आज दो लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक ट्वीट संदेश में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि ये दोनों निजामुद्दीन मरकज के जमातियों के सीधे संपर्क में नहीं आए बल्कि उनके संपर्क में आए लोगों से संक्रमित हुए। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 34 हो गई है जबकि 5 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मणिपुर में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है। कोविड-19 से लड़ाई में लोग इस मोबाइल ऐप को महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बाद रोजाना इस ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या बढ़ रही है। आकाशवाणी से बातचीत में मणिपुर के पर्वतीय जिले उखरूल के श्री तन्नो सेन फिरे ने कहा कि उन्होंने सरकार के परामर्श के बाद ये ऐप डाउनलोड किया है और वायरस के संक्रमण का पता लगाने के बारे में इसे बहुत उपयोगी पाया। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए जम्मू कश्मीर में अनेक लोग कोरोना योद्धा बनकर सामने आए हैं। जम्मू जिले के रियासी में एक 74 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी योगराज मेंगी ने अपनी मासिक पेंशन से 6000 मास्क बनाकर लोगों को वितरित किए। इतना ही नहीं, उन्होंने शहर के जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन बांटना भी शुरू कर दिया है। उनके योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योगराज मेंगी जैसे नागरिकों पर हमें गर्व है जो कोविड-19 की लड़ाई में बहुत कुछ सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भी उनके योगदान की सराहना की। हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री मेंगी ने कहा कि ये कोरोना वायरस महामारी से लड़ने वालों की मदद करने में एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने कहा कि हम सभी सरकार और जरूरतमंद लोगों की मदद करके कोविड-19 से निपटने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मेरा नाम जोगराज है, मेरी 73 ईयर एज है, रिटायर्ड हुआ हूँ ड्राफ्टमैन के पोस्ट पर और इस वक्त मैं समाज की सेवा का काम करता रहता हूँ। अभी जो ये संक्रमण आया है कोरोना का, तो पहले ही शुरू में ही मैंने कम से कम 100 मास्क लेकर जो है बाजार से परचेज करके सफाई कर्मचारियों को दिए। फिर जहां पर कोरोना शुरू हुआ तो मैंने लगभग मेरे ख्याल में मैंने सबसे पहले ही मास्क बनाना शुरू कर दिए थे और लोगों को मास्क फ्री बांट रहा हूं। एक सोच ये है कि देश के लिए एक बूंद भर सहयोग हमारा हो जाए। अहमदाबाद के एक निवासी बीपीएल कार्ड धारक नीतिराम ओझा ने लॉकडाउन के दौरान मुफ्त राशन मिलने पर सरकार को धन्यवाद दिया है। मेरा नाम नीतिराम ओझा है। लॉकडाउन के समय में सरकार की तरफ से बिना मूल्य अनाज की सुविधा की गई, जो अनाज मुझे प्राप्त हुआ है उस अनाज से हमारे परिवार का एक महीने का गुजारा हो जाएगा। मैं सरकार का बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। सुरेंद्रनगर निवासी सागर रावल ने कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप जारी करने की सराहना की है। मेरा नाम सागर है, मैं गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के सुरेंद्रनगर शहर में रह रहा हूँ। गुजरात में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसमें भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आरोग्य सेतु एप्लीकेशन बहुत ही मददरूप हो रही है, जिससे हमें कोरोना की जानकारी मिलती है। कोरोना का दर्दी अगर आसपास में हो तो पता चल जाता है। मैंने भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, आप भी कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोविड-19 की जांच के लिए जैव सुरक्षा प्रयोगशाला बीएसएल के बहुप्रतीक्षित उपकरण आखिरकार वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर की विशेष उड़ान से आज दीमापुर पहुंच गए। कुल 18 टन की कंसाइनमेंट मुंबई से दीमापुर पहुंची। नागालैंड के कोहिमा जिले के समर्पित कोविड-19 अस्पताल में BSL-3 के लिए आवश्यक अत्यधिक उन्नत उपकरण कोविड-19 की जांच में मदद करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों से कहा प्रवासी मजदूरों और फंसे हुए लोगों की सुरक्षा, आवास और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश के 325 जिलों में कोविड-19 का कोई भी रोगी नहीं। सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया पूर्णबंदी के दौरान फीस के भुगतान का दबाव न बनाएं, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन जारी करें। भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के तहत संचालित छोटी सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों के 4 महीने का किराया माफ। सभी विमानन कंपनियां लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों का पूरा पैसा रिफंड करेंगे।
और उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले लोगों को राशन और 1,000 रूपये देने की घोषणा की। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।